हेलो एवरीवन, बहुत बहुत आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नागेंद्र फिर से मुखातिब हूँ आप सभी से, और सीरीज चल रही है सक्सेस स्टोरीज विद नागेंद्राज मेटामॉर्फोसिस। और इससे पहले कि मैं आज के जो है हीरो से आपको मिलाऊं, मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादातर फैसले अपने मेंटोर के लिए या किसी इंस्टीट्यूट को चुनने के लिए दो चीज़ों पे बेस लेते हैं। नंबर एक, हम कई बार ये होता है कि जहाँ सब जा रहे हैं और जो है मेरे दोस्तों ने बताया, ये बताया कि वहाँ बेस्ट है, ये है, एक ये फैसला होता है हमारा कि हम उसी ओर मुड़ जाते हैं बिना कुछ देखे जाने। और दूसरा फैसला होता है कि हम लोग कई बार सिर्फ इस बात पे डिसीज़न ले लेते हैं कि लोगों ने कहा है कि वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लोगों ने कहा है कि उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, तो इस वजह से भी जो है कई बार हम लोगों का जो है चुनाव बहुत गलत हो जाता है। देखिए, चुनाव के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोई किस तरीके की क्वालिटी कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहा है। अगर एक व्यक्ति, एक आपका दोस्त है जो किसी फला फला जगह पे पड़ा और उसका हो गया, या उसने देखा किसी और का हो गया और उसने आपसे कुछ कहा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी उसके लिए बहुत ही सूटेबल कैंडिडेट होंगे, क्योंकि आपके लेवल और आपकी चीज़ें किस तरीके से हैं वो सिर्फ वही जान सकता है जो एक मेंटोर किसी से दिल से जुड़ता है और एक फैमिली की तरह किसी को ग्रूम करता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो ग्रूमिंग है एक अपनी जिम्मेदारी समझ के वो, और एक ये कि आपको हमेशा अपने लॉजिक पर डिसीज़न लेना चाहिए और हर किसी को परख के देखना चाहिए कि ये किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास कई फ़ोन आए और आते रहते हैं कि हम लोग ठगी का शिकार हो गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती हम ही लोगों की होती है, क्योंकि हम लोग ढंग से व्यक्ति को जानते नहीं हैं और देखते नहीं हैं, परखते नहीं हैं कि वो किस लेवल पे पढ़ाता है। और ख़ासकर लेवल की बात नहीं, कि हमारी लेवल को समझ के वो उसको सूट करता है कि नहीं, या हमको किसी किस तरीके से वो ले जाता है, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजिकली भी ट्रेन करते हैं लोगों को, मेंटली भी ट्रेन करते हैं। तो चलिए, इस बारे में किसी और दिन बात होगी। और आज मिलाता हूँ मैं आपको, जो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने नाम, वो है भारती आर्या। और भारती आर्या विमेन कैटेगरी में SC रैंक में 7th पोजीशन पे आई हैं पूरे उत्तराखंड में, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारती आर्या को। और अब मैं आपसे शेयर करूँगा कि भारती आर्या से मेरी मुलाकात कैसे हुई और भारती आर्या के साथ हमने किस तरीके से वर्क किया। भारती आर्या अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे से तब मिली थी जब मैं करीब 2016 में अपना ये इंस्टीट्यूट बंद करके अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में अल्मोड़ा में चला गया था 3-3.5 साल के लिए। और जब मैं वापस लौटा लगभग 2020 से थोड़े पहले, लगभग 2019 का लास्ट था, और मैंने यहाँ इस इंस्टीट्यूट को फिर से रिवाइव किया, तो जो LT के बैच में सबसे पहले जुड़ने वाले लोग थे मुझसे, उनमें भारती आर्या थी और उसके कुछ दोस्त थे। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारती आर्या के जिनके साथ यहाँ ज्वाइन किया था उनमें से भी सिलेक्शन हुए, जिनकी स्टोरी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो भारती और हरीश दोनों के सिलेक्शन में, हरीश और भारती जो है मेरे पास आए थे, और वो लोग पहले भी किसी नामी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे और उनको लगा यहाँ जो है क्लास ज्वाइन करके कि उनके लेवल को और उनकी चीज़ को यही सूट करता है और वो उन्हें यहाँ वो मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश है। तो यही मैं बात करता शुरू में कि आप जो है कई बार चीज़ों को सिर्फ देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं या सुन के, तो आपको ज़रूर से परखना चाहिए। तो खैर, उनसे हमारा एक जुड़ाव हुआ और हमने शुरू किया उनके साथ ये सफ़र, और फिर उस सफ़र में जो है कारवां बनता चला गया, उस बैच में और भी लोग जुड़े। तो भारती आर्या के इस अचीवमेंट को शेयर करते हुए मुझे इसलिए भी खुशी हो रही है कि वो शख्स में शामिल हैं जिनसे मैंने इंस्टीट्यूट की जो है फिर से शुरुआत की हल्द्वानी के अंदर काफ़ी सालों बाद।
और आज खुशी होती है कि उन्होंने ये रैंक हासिल की है भारती और इनके ग्रुप के साथ। हमने कई बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं, हमने कई जो है और जो नेशनल डेज होते हैं सेलिब्रेट किए हैं, कई खुशी के पल शेयर किए हैं जहाँ कई लोगों के सिलेक्शन रहे। और इनके ग्रुप में ख़ास बात ये थी जो, क्योंकि ये सबसे पहले मुझसे जुड़े थे तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके थे, क्योंकि हर जगह और हर बैच में इन्होंने जो है और लोगों के साथ काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन भी की। और इनका इस तरीके से जुड़ाव था कि जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन खुला तो लोग घबरा रहे थे, लेकिन ये लोग मेरे घर में आके भी बैठे और घर में भी पढ़े। तो हमारी एक तो एक फैमिली सॉर्ट ऑफ हो गई थी, हमने घर में साथ में खाना भी शेयर किया है और काफ़ी हंसी मजाक के पल भी शेयर किए। तो अब बात ये थी कि भारती आर्या ने जब चीज़ों को पकड़ना शुरू किया और उसको जब बहुत अच्छा लगने लगा कि एकदम जैसा वो चाहती थी वैसा मिल रहा है, तो उसने इतनी जल्दी जो है अपने आप को ग्रूम करना शुरू किया। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे LT और लेक्चरर के बैच में हम भारती आर्या को एक निक नेम दे चुके थे स्यूड, जिससे जो है सभी लोग उसे जानने लगे थे और हम भारती आर्या को कहने लगे थे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेटामॉर्फोसिस। वो इसलिए दोस्तों कि जो भी डेट्स और ये जितने भी सन और जितने भी फैक्ट जितनी बुक्स हैं ये सब हम जो भी याद करने के लिए कहते थे तो भारती आर्या उसको इस तरीके से याद करती थी कि जो है कई बार ये होता है, मतलब अक्सर होता है, क्योंकि हम भी ह्यूमन बीइंग है, अगर हम पढ़ाते हैं तो मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मेरी अपनी खामियाँ हैं। और मेरी सबसे बड़ी खामी है कि मैं कई बार जो है डेट्स भूल जाता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि माइंड में कई चीज़ें चल रही हैं, कंसेप्ट चल रहे हैं और किसी व्यक्ति की जो है या किसी बुक की या बुक के जो है डेट भूल गया या उससे रिलेटेड कोई फैक्ट भूल गया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम किसी रेफरेंस बुक में ना देख के, कहीं ना देख के, मैं सिर्फ ये कहता था भारती है मौजूद, और बैच में अगर भारती की आवाज़ आती थी, ऑफलाइन होते थे तो भारती आंसर देती थी, ऑनलाइन होते तो भारती है मौजूद, यस सर, सो भारती व्हाट डू यू से, तो भारती कही कि सर ये सही है या गलत। तो हम भारती को वो आधार बनाने लगे थे कि ये सही है गलत। ऐसा ही मेरी स्टूडेंट रजनी के साथ भी है और भी कई लोग हैं, रजनी जो कि टॉपर हैं वो भी आपने देख लिया। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने सामने सामने हमारे साथ लोग काम करते हुए इस तरीके से ग्रूम हो जाते हैं। और भारती आर्या ने जब ये रिज़ल्ट आया तो उसके बाद भारती आर्या काफ़ी, एक तो ओपन माइंडेड है, बड़ी फ्रैंक लड़की है, काफ़ी कहते हैं जॉली नेचर के वो भी, और एकदम ये कह सकते हैं कि एडवेंचरस नेचर भी है, खूब घूमती भी है, ट्रैवलिंग भी करती है, शी ड्राइव्स द कार वेरी वेल, और घूमने का बहुत शौक है। तो जब उसने मुझे ये वीडियो भेजी है तब भी शायद वो कहीं घूम ही रही है या फिर कहीं बाहर है आउटिंग में, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू भारती कि उसने कुछ टाइम निकाला और भेजा। ये सब देखिए होता है कि आपका कितना जो है लगाव है किसी के साथ। तो भारती ने ये वीडियो भेजी है, मैं जितनी भी वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ इसमें मैंने किसी से कुछ भी नहीं बोला है, इसीलिए जो जो मुझे भेजता जाएगा मैं आप तक पहुँचाते जाऊँगा और आप लोगों से जुड़ता जाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं भारती आर्या से। Struggle in my life and got selected in UK LT 2021. तो मैं आपके सामने दो शब्द कहूँगी, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने की खातिर। सो माई जर्नी वॉज स्टार्टेड इन 2019 फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस एंड दिस जर्नी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग as my doubts was not so cleared and I was not so confident, so my teacher Mr. Nagin Gangola sir helped me to come out and cleared my all thoughts and making myself be confident. So unke liye ek sab line bolungi ki ek Tennyson writer hai, unki ek poem hai The Brook, man may come and man may go but I flow forever. So
हमारा भी यही है, मेटामॉर्फोसिस में लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन अपने साथ जैसे वाटरफॉल की खूबसूरती लेके जाते हैं, वहाँ पे ठहरते हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और अच्छा चीज कलेक्ट करते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस में भी ऐसा ही है कि सर के पास जाओ और उन्हें सुनते रहो और उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहो, तो बहुत अच्छा लगता है। और लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा ऑब्जर्व करेंगे। तो दो लाइन और कहूँगी, किड्स जो रोमांटिक पोएट है, विच इज नोन एज अ पोएट ऑफ ब्यूटी, उनकी एक पोएम है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। उनकी एक लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर मोर स्वीटर। मीन्स जो हम सुनते हैं वो बहुत अच्छा है, जो हम और जो उसके पीछे है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो लिटरेचर जो हम मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं तो हमें वहाँ यही मिलता है कि हमें जो सुनते हैं वो, लेकिन जो सर बताते हैं उसका इम्प्लाइड मीनिंग, क्योंकि लिटरेचर में काफ़ी इम्प्लाइड मीनिंग होता है जो हमें पता ही नहीं होता, लेकिन उसका मीनिंग बहुत खूबसूरत होता है। तो हमें सर ने बहुत अच्छा बताया कि वहाँ पे जो लिटरेरी मीनिंग होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो मेटामॉर्फोसिस रटने पर नहीं, चीज़ों को सीखने पर ज़्यादा जोर देता है, समझने पर ज़्यादा जोर देता है। हम मेटामॉर्फोसिस पढ़ाने में नहीं, लेकिन पढ़ते कैसे हैं पे ज़्यादा जोर देता है। तो मैं दो लाइन और बोलूँगी, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो नेचर पोएट है, उन्होंने का एक द रोड नॉट टेकन में एक लाइन बोली है कि टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज़ मेक ऑल द डिफरेंस। मीन्स कि दो रोडें हैं और जा रही हैं, और एक में तो है भीड़ जा रही है, लेकिन एक में होते हैं कि बहुत कठिन रास्ता होता है, उस पर लोग कम चलते हैं, लेकिन शायद मैंने वही सेलेक्ट किया था, मेटामॉर्फोसिस जाके वही सेलेक्ट किया था। गहरा समंदर था, लेकिन तूफान भी थे, टास्क भी काफ़ी थे, लेकिन फिर भी मैंने उसे सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो यही कहूँगी कि दो लाइन बोलूँगी, समंदर की लहरों से हमें इनकार नहीं, लेकिन तूफानों से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और होता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू माय पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड माय लव्ड वंस। तो एक लाइन और बोलूँगी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये मतलब हमने, ये जो नेचर है ये बहुत अच्छा है और इसको मैं हमेशा इंजॉय करना चाहती हूँ, लेकिन अभी भी मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हैं जो मुझे अंत तक पूरी करनी है। तो इसलिए मैं थैंक यू कहूँगी और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी, और बी हैप्पी एंड बी ब्राइट। थैंक यू।